सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके सुसाइड को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड कैंप नेपोटिज्म पर सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस एक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कई सेलेब्स को ट्रोल किया जा रहा है। करण जौहर, आलिया भट्ट, सलमान खान के बाद डायरेक्टर महेश भट्ट की भी आलोचना हो रही है। सारा मामला तब शुरू हुआ जब महेश भट्ट की सुशांत सिंह राजपूत की करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती के साथ तस्वीरें वायरल हुई। इन फोटोज में महेश भट्ट रिया के कंधे पर सर रखे हुए हैं, वहीं दूसरी फोटो में रिया भी महेश भट्ट को गले लगा रही हैं। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग महेश भट्ट की काफी आलोचना कर रहे हैं। कुछ फैंस ने महेश के साथ रिया को भी ट्रोल किया। लोगों को महेश की रिया के साथ ऐसी नजदीकी अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। महेश भट्ट को बायकॉट करने की मांग हो रही है। लोगों का ये भी आरोप है कि महेश भट्ट ने भी करण जौहर की तरह ही नेपोटिज्म को प्रमोट किया। कई यूजर्स ने महेश भट्ट के उस बयान पर फटकार लगाई जहां पर उन्होंने सुशांत की तुलना परवीन बॉबी से की। एक यूजर ने महेश भट्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, चीप मेंटालिटी। दूसरे शख्स ने महेश को मीठा जहर बताया। एक यूजर ने लिखा, करण जौहर, महेश भट्ट ने सुशांत पर बॉलीवुड से बाहर जाने के लिए प्रेशर डाला। सुशांत को दिमागी तौर से बीमार बताने पर भी महेश की ट्रोलिंग हो रही है। महेश की तरफ से अभी इस ट्रोलिंग पर कोई बयान सामने नहीं आया। दूसरी तरफ सुशांत की सुसाइड मामले में पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया ने पुलिस को बताया, सुशांत ने यशराज फिल्म्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। उन्होंने रिया से भी YRF संग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को कहा था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।